डी एस सी एंड वाले यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर दोनों ही क्लास के लिए डिफिकल्ट है लेकिन हम आईसीएस क्लास टेंथ सेमेस्टर टू सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के फिजिक्स फोर्टी मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे किस तरह से आपको अटेम्प्त करने हैं कि 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आसानी से प्राप्त हो सके यदि आप इन वैल्यू पॉइंट्स को एक्सपीरियंस आईसीएससी एग्जामिनर के द्वारा दिए गए सजेशन के हिसाब से बनाते हैं तो सबसे बड़ी बात कि आप अपने क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन आईसीएससी सेमेस्टर टू 2022 को देखते हैं तो यह दो पार्ट में बटा होगा सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन ए में टोटल टेन क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस वाले होंगे और उनका आंसर आपको देना ही देना होगा इसके लिए सी ने आई क्लास टेन फिजिक्स के लिए बायफर्केटेड सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है उसके हिसाब से आपके एक चैप्टर कवर किए जाएंगे वही सेक्शन टू में यानी सेक्शन बी में केवल आपको तीन क्वेश्चन के आंसर देने हैं यहाँ पर स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि साउंड चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट से क्वेश्चन रहने की हंड्रेड परसेंट उम्मीद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रो इंडक्शन और हीट में कैलोरियो के अंतर्गत बहुत सारे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ज्यादा रहने की उम्मीद है सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं अब बात है कि आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स को भी अटेम्प्ट करने के आपके पास पूरे स्कोप है तो स्टूडेंट जो सेमेस्टर वन एग्जामिनेशन दिए थे आईसीएस एंड आई एस सी वाले दोनों को याद होगा कि उनकी गलती फिजिक्स के टफ क्वेश्चन पेपर को लेकर है आशा की जा रही है कि इस बार फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर आसान आने चाहिए लेकिन स्टूडेंट को किसी तरह के क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार रहने का मतलब यह हो गया कि उन्हें जो बाइफरकेटेड सिलेबस के हिसाब से साउंड में वाइब्रेशन डैम्प्ड वाइब्रेशन फोर्थ वाइब्रेशन के अलावा लाउडनेस स्पीच क्वालिटी ऑफ साउंड इन टॉपिक को अच्छी तरह से देख ले इलेक्ट्रिसिटी एंड कंप्लीट यूनिट है यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट में बताया जो गया है कि आप देख लेंगे इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं या हाउस होल्ड सर्किट के अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक है एक काफी हाईलाइट करके दिए जा रहे हैं स्पेशलाइज टीचरों के द्वारा या फिर यू कह लीजिए कि हीट के अंतर्गत कैलियोमेट्री में आपके लेटेंट हीट लॉस एंड गेन ऑफ हीट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ स्टेट फॉर फ्यूजन ओनली और इसके अलावा कई टॉपिक्स हैं जो कि इस समय तो मार्केट में केक बने हुए कि इनसे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे अब स्टूडेंट के पास कुछ चॉइस भी होंगे यानी कि आपको आउट ऑफ फोर चैप्टर इन फिजिक्स हीट इलेक्ट्रिसिटी साउंड एंड मॉडर्न फिजिक्स में से एक को छोड़ने के सेक्शन बी में उम्मीद जताई जाती है लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसे कोई ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं मतलब यह हो गया मेरे कहने का, का कि जो स्पेशलाइज टीचर इस समय आईसीसी क्लास टेन के फिजिक्स को लेकर कह रहे हैं कि स्टूडेंट को कंप्लीटली सभी चैप्टर की तैयारी करने के समय न्यूमेरिकल आप अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि तो वे टच प्रोसेस वाइज स्टेप मार्किंग के हिसाब से दिए गए हैं जहां पर स्टूडेंट के सॉल्यूशन उसके रफ वर्क पर मार्क्स दिए जाएंगे जहां पर वर्ड लिमिट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाने हैं उन क्वेश्चन के आंसर को देते समय एग्जैक्ट जो आपके आंसर है उनको टच करने का प्रयास करेंगे जैसे साउंड को लेकर है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेकर है वहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन है सेलोनाइड है तो इन सब को उसी के हिसाब से जितने वर्ड लिमिट में पूछे गए हैं या मार्क स्पेसिफाइड है उसी हिसाब से आंसर देने के आपके उम्मीद होनी चाहिए याद रखिए या मैं बार बार स्टूडेंट को अलर्ट कर रहा हूं कि टाइम इज अ वार्निंग पॉइंट वाज इन मैथमेटिक्स एंड दिस टाइम इन फिजिक्स आपको टाइम कम पड़ जाएगा फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के लिए इसलिए अच्छी तरह से तैयारी करने के दौरान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नए सॉल्यूशन आने जा रहे हैं जिसका पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा तो बने रहिए और इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए मेक द ब्लैक थ्रम ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल इसी बीच 2023 बैच के लिए आई के क्वेश्चन बैंक है फिजिक्स के या फिर आपके आईसीएसई के जो ये सारे बुक हैं जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है यदि वहां से परचेज करते हैं आने वाले नए एकेडमिक सेशन के लिए तो काफी फायदा उनको होगा क्योंकि अभी से उनकी तैयारी बूस्ट हो जाएगी और इस चैनल को भी आपका सपोर्ट मिलेगा